हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 15 अगस्त और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। मैंने आज सुबह भी व्लॉग बनाया था, वो भी शेयर किया था। उसमें मैंने मीशो से कुछ सामान मंगाया था, एक ड्रेस मंगाई थी वो शेयर की थी। साथ में ये भी बताया था कि मैं 20 डे वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ। मेरा व्लॉग हमेशा लेट हो जाता है, अभी 2-3 दिन से ना काफ़ी लेट हो रहा है। आज भी शाम को आया, कल मैं अपना व्लॉग टाइम पर शेयर कर सकूं आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा शाम को भी शूट कर लेती हूं। तो अभी मैं आप लोगों को अपना डिनर रूटीन बताऊंगी और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं घर के लोगों के डिनर के साथ साथ अपना डाइट रूटीन कैसे मैनेज कर रही हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर आज कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ, उसके लिए तेल चढ़ाया है और दाल बॉईल करके रखी है। प्लेन की दाल बॉईल की है, इसमें से मैं बगैर तड़के की दाल मेरे लिए निकाल लूँगी। और कुंदरू की सब्जी भी काफ़ी कम तेल में बन जाती है, इसलिए मैं कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है। पर हमारे घर में ना कुंदरू की सब्जी सभी को पसंद है और सभी खा लेते हैं, तो मैंने सोचा यही बना लूँ और मेरी डाइट में भी काम आ जाएगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ये वाला पैन हमारा नॉन स्टिक था, लेकिन पहले हमारे वहाँ एक आंटी आती थी बर्तन करने के लिए, तो मैं कंफ्यूजन हो गई कि ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो उन्होंने ना जो स्टील का कूचा आता है उससे उसको घिस डाला, तो इसका पूरा कलर चला गया और धीरे धीरे करके हमने इसे प्लेन कर दिया। मैं कुंदरू की सब्जी में बहुत सिंपल बना रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और मिर्ची थोड़ी तेल से डाली है, क्योंकि ना मिर्ची चिपक जाती है, मतलब वो जलने लगती है अगर एकदम डाल दें तो। इसलिए ना थोड़ा सा कुंदरू कुक हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। हम लोग कुंदरू की सब्जी बहुत सिंपल सी बनाते हैं, सिर्फ हल्दी मिर्ची नमक के साथ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं बस। अब मैं अपनी कुंदरू की सब्जी को सिम फ्लेम पर कुछ देर ढककर पकाऊंगी, जिससे अच्छी तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा पक गया है, अब मैं इसमें मिर्ची डाल दूंगी। हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। मैं यहाँ डाल दी हूँ 1.5 टेबल स्पून मिर्ची। और वैसे भी कुंदरू जैसी सब्जियाँ जो रहती है ना थोड़ी तीखी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे थोड़ी देर और ढक कर पकाऊँगी। और दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद के रख लिया है, सिर्फ मम्मी और पापा के लिए ही मैंने इतना आटा गूंदा है। उसमें भी मुझे बहुत कम रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। हमारी सब्जी कुक हो गई है, अब मैं इसे सर्विंग डिश में शिफ्ट कर दूंगी। सब्जी रही है, मैंने इसे इस बाउल में शिफ्ट कर दिया है। मैं दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ, या सिर्फ मम्मी और पापा के लिए तड़का लगाऊंगी दाल में, मेरे लिए सादी दाल रखूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल नहीं है। मैंने प्याज डाल दिए, थोड़ा ब्राउन होने दूंगी, लेकिन इतना पकाना है कि उसका पानी अच्छी तरीके से मर जाए, नहीं तो ना दाल में क्या होता है प्याज ऊपर तैरने लगते हैं और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे ओनियन में इसे लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये छोटा सा टमाटर था, इसको मैंने छील के लिया है, क्योंकि ना अभी जो टमाटर आ रहे हैं उसका छिलका मैंने आता है, तो मैंने उसका छिलका निकाल लिया और बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी मैं पका दूँगी। इसमें ना बहुत ज़्यादा टमाटर अच्छा नहीं लगता, बस थोड़ा सा टमाटर हो
तो ये वाली दाल अच्छी लगती है। आज बहुत सादा खाना बन रहा है हमारे यहाँ। इसमें चुटकी भर नमक डाल दूंगी जिससे टमाटर जल्दी पक जाए। टमाटर और प्याज अच्छे से कुक होना है, इसलिए मसालों की सीजनिंग कर दूंगी। वैसे मैंने हल्दी और मिर्ची तो दाल उबालते टाइम भी डाली थी, लेकिन मैं आधा चम्मच मिर्ची और डालूंगी और आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया हमारे घर में थोड़ा सा तीखा खाते इस वजह से। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसाले को पकाने के लिए। देखिए हमारे मसाले को खोल दिए और मैं इसमें दाल डाल दूंगी, मैंने दाल उबाल के रखी थी। हमारे घर में जब भी दाल बनती है ना तो उसका पूरा दाना हम लोग नहीं पकाते, थोड़ा खड़ा खड़ा रखते हैं, वो सब्जी जैसा टेस्ट देता है। दाल मूंग की ज़्यादा पक जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस तरीके से हम बनाते हैं। और इतनी दाल मैं खुद के लिए रख लूँगी क्योंकि मैं दाल पीऊँगी और सिर्फ सब्जी खाऊँगी। मैं दाल में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी क्योंकि दाल बहुत कम है, तो ज़रा सा गरम मसाला डाला है मैंने। और मेरी दाल भी रेडी है, बस अब रोटियाँ बनाना बचा है। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं रोटियाँ कैसे बनाती हूँ। ये छोटी सी रोटी ही बेलती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाते हम लोग। और जितनी देर में ये रोटी सिकती है उतनी देर में मैं दूसरी लोई बनाकर उसकी रोटी बेल के रख लेती हूँ। जैसे ही ना रोटी में हल्के हल्के से बबल्स आने लगे ना ऊपर एक तरफ से, तो उसे टर्न कर देना चाहिए। इससे रोटी काफ़ी फूली फूली बनती है और थोड़ा सा तेज आंच पे दूसरी तरफ से सेकना है, उसके बाद मध्यम आंच करके इसे अच्छे से सेकना है। अक्सर वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो ये टमाटर मंगाए थे 1 किलो, क्योंकि हमारे वहाँ अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे थे और मुझे यहाँ की अपेक्षा वहाँ पर ज़्यादा सस्ते लगे। सेकंड चीज़ ये कोकोनट बिस्किट्स मंगाए थे ब्रिटानिया के, और गुड्डे मंगाया था, दोनों ही पापा को काफ़ी पसंद है। मम्मी और मैं ये सब नहीं खाते, मम्मी को शुगर है इसलिए वो नहीं खाती, और मुझे बिस्किट ज़्यादा नहीं पसंद है। और एक चाय मसाला मंगाया है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और इस मौसम में मसाले वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और एक ये मंगाया था मैंने कैलॉग्स के स्पेशल, ये मैंने बड़ा वाला पैकेट मंगाया है 900 ग्राम वाला, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं और मम्मी दोनों ही यूज़ करते हैं, तो मैं बड़ा पैकेट ही मंगाती हूँ हमेशा। और इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें, दो चीज़ें ट्राई करने के लिए मंगाई है। पहला तो ये कप नूडल्स मंगाया है मैंने, प्योर वेज है ये। मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि मैं ट्राई करना चाह रही थी कि कप नूडल्स कैसे रहते हैं, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किए। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से अगर हम लोग कहीं भी बाहर ट्रैवल करते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
और सेकंड चीज़, ये वाघ बकरी इंस्टेंट मसाला टी मिक्स मंगाया है, इसमें जस्ट हॉट वाटर ऐड करना है, जैसे प्री मिक्स कॉफ़ी आती है ना, सेम उसी टाइप का फॉर्मूला है। और ये भी मुझे कहीं भी ट्रेवल करने में बहुत यूज़फुल रहेगा। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये दोनों चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। और हमारे वहाँ लोकल मार्केट में ये सब कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। ये जब भी मैं यूज़ करूँगी ना, तो आप लोगों को ज़रूर इसका रिव्यू दूँगी, इसका टेस्ट कैसा है। इंस्टेंट टी प्रीमिक्स और कप नूडल्स मैंने इसलिए मंगाए हैं क्योंकि दोनों मैं ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम। हम लोग काफ़ी ट्रेवल करते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। और अभी कोरोना की वजह से हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट या ढाबे पर खाना नहीं खा सकते और ना चाय पी सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों मंगाए हैं जिसे ट्राई करके मैं देख सकूं कि ये यूज़फुल है या नहीं। साथ में मुझे अभी इलेक्ट्रिक केटल ऑर्डर करनी है जो कार में अटैच होकर पानी गर्म कर सके। इलेक्ट्रॉनिक केटल के बारे में अगर आपको भी पता हो जो कार में अटैच होकर पानी गर्म कर सके, तो आप मुझे उसकी लिंक जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। और सेकेंड चीज़, आज नागिन सीजन 5 का प्रीमियर था, फर्स्ट शो था आज उसका, और मैंने देखा पर उतना मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि ऐसा है कि मैं फर्स्ट वाले सीज़न की बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुकी हूँ शुरू से, तो मुझे बाकी सीज़न अच्छे नहीं लगे। अभी आगे देखते हैं कि उसकी स्टोरी में क्या ट्विस्ट आते हैं। वैसे हिना खान का मेकअप जो था, वो कुमोलिका का जो रोल उसने प्ले किया था उससे काफ़ी मिलता जुलता था, ऐसा कुछ डिफरेंट भी नहीं लगा। और ड्रेसअप जो था वो भी नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था, तो इतना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि आगे वाले एपिसोड्स अच्छे हों उसके। वैसे भी मैं नागिन शो हमेशा से देखते ही आई हूँ, तो अगर आगे मुझे वो कैसा लगेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड बटन जो है उसे टच कर देंगे तो आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।